हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेट की तरफ। तो चलिए देखते हैं बाकी के आंसर्स मैच कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर सेट सी के, फिर इसके बाद उसका हम सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, लेकिन पहले हम जल्दी से आंसर मैच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ एनी एडवोकेट इज एग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर आर डिस्क्रिपेंसी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ एन एडवोकेट एक्ट, आर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मे प्रेफर अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन। तो इसका सही आंसर है 60 डेज के अंदर। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। देखो मैंने कहा था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यानी कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेरा पुराना वीडियो देख लो, मैंने कई सारे क्वेश्चन एमसीक्यू भी डाले हैं और ये जरूर आएगा, मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था और देखो क्वेश्चन आया भी है, क्योंकि इतने सारे पुराने पेपर सीआईबी के दिला रहे हैं तो इससे पता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती, इट कैन बाय अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड पास बाय द बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट है। इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ प्राइसिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। देखो ये बहुत फेमस लॉ है, कंपनी लॉ का, लिफ्टिंग ऑफ पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो कल्प्रिट है उसको पता लगाने के लिए लिफ्टिंग ऑफ पायरेसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये बहुत सिंपल है, ये सिंपल सिंपल यही पूछिए किससे संबंधित है, भैया कंपनी लॉ से संबंधित है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं इसके। मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि कंपनी लॉ एडवोकेट एक्ट पीआईएल, इनके बेसिक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपने ये बेसिक क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आई होप अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो जरूर आप पढ़ के गए होंगे और आपके ये क्वेश्चन सारे सही होंगे। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एक्ट 1886 द अपील ऑफ नेशन ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, अपील ऑफ एनजीटी। तो अपील ऑफ एनजीटी जो है सेक्शन 5A है इसका। अगर आप बेरक ले गए होगे तो आपने आंसर बिल्कुल देख के सही कर दिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है 1551AG, आंसर बी करेक्ट है इसका। फिर 17वां क्वेश्चन है, मिस्टर ए हु वाज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर और एडजुडिकेशन ऑफिसर मैन एन अपील ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, लेटर मिस्टर ए एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील। ठीक है, तो मे प्रेफर एन अपील, इसका सही आंसर होगा हायर कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है, यानी हायर ट्रिब्यूनल, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो 17 का आंसर भी हो गया। 18 फिर से, मिस्टर एक्स ए पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एक पर्सन है जो हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एंड ऑरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अंडर आईटी एक्ट नोन एज। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो इसमें जो है एक्स पर्सन है हु इज इंटेंडेड मिस्टर वाई टू ऑर्गेनाइज टू रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अंडर आईटी नोन एज एड्रेसी। ठीक है, जिसको एड्रेसी बोलते हैं हम। 19 क्वेश्चन आंसर है, द मिनिमम नंबर, देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज, अगर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है, द टेक्स्ट सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी प्रोमिसिंग पोस्टिंग बाय द एम्प्लॉयर इन इंग्लिश, इसका सही आंसर है इंग्लिश, आंसर इज बी, बी आंसर इज करेक्ट। और 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग टेक अ टीचिंग ऑफ लॉ इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाइल इज एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी सो लॉन्ग एज आवर्स ड्यूरिंग विच इज एंगेज इन द टीचिंग ऑफ लॉ डू नॉट एक्सीड आवर्स इन अ डे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 3 घंटे से ज़्यादा। एडवोकेट एक्ट में साफ साफ मेंशन है ये कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेक अप टीचिंग ऑफ लॉ इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं विच इज एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी सो लॉन्ग एज आवर ड्यूरिंग विच ईयर सो एंगेज इन द टीचिंग ऑफ लॉ नॉट एक्सीड 3 आवर, 3 घंटे से आप ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये केस है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट इज वॉज हेल्ड गिल्टी या प्रोफेशन मिसकंडक्ट एंड ही हैज फोर्स द कोर्ट ऑर्डर। तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य वर्सेज श्रीमती जमीला
खातून, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए जरूर से जरूर मैं इसमें सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जारी करूंगा। और जैसा भी एडमिट कार्ड है, जो भी आपका सीओपी का प्रोसीजर है, वो वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। डेट रिलीज जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी पुरानी वीडियो में, लगभग वही सारा कुछ आया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेट जल्दी से 23 नंबर से हम रिलीज़ कर रहे हैं, तब तक आप ये 22 के आंसर मैच कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।